वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। जासूस होने के पर्याप्त सबूत जो है एजेंसियां नहीं जुटा पाई हैं। दो दिन की पूछताछ के बाद उसे छोड़ा गया है। प्रेमी सचिन और उसके पिता को भी छोड़ा गया है। एजेंसियों ने अभी भी जांच के दायरे में रखा है। दो वीडियो कैसेट, 4 फोन और 6 पासपोर्ट बरामद हुए थे। सीमा के मोबाइल का नष्ट डाटा जुटाने की अनुमति। जासूस होने के पर्याप्त सबूत फिलहाल एजेंसियां जो है वो नहीं जुटा पाई हैं। लेकिन दो दिन पूछताछ के बाद जो सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला, उसे अब छोड़ दिया गया है। सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। जासूस होने के हालांकि पर्याप्त जो सबूत है वो एजेंसियां नहीं जुटा पाई हैं। दो दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर को छोड़ा गया। प्रेमी सचिन और उसके पिता को भी छोड़ा गया। एजेंसियों ने अभी भी रखा है जांच के दायरे में। संवाददाता दानिश अजीज इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। दानिश, ये सीमा हैदर से जुड़ा हुआ क्या कुछ पूरा मामला है, जो सबूत की बात हो रही है कि पर्याप्त सबूत जो एजेंसियां नहीं जुटा पाई हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक एटीएस ने 2 दिन लगातार पूछताछ करी है और जो 17 घंटे की पूछताछ में जितने भी एविडेंस मिले थे उनको भी वेरीफाई किया गया है। लेकिन एक पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं, वो पुख्ता सबूत अभी तक एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है। यहाँ से लेकर नेपाल तक की जाँच हुई है। जो गुलाम हैदर है उससे भी बातचीत करी है एटीएस की टीम ने, टेलीफोनिक बातचीत हुई है, लेकिन कुछ ऐसे कंक्रीट जो एविडेंस होते हैं वो नहीं लगे। लेकिन हाँ, अभी भी जो मोबाइल है, जो मोबाइल सीमा हैदर ने तोड़ दिए थे, लिहाजा उनको भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है और साथ ही 3 अन्य मोबाइल है उनकी भी जांच करी जा रही है। तब जो लैब से जो रिपोर्ट आएगी, यानी जिन मोबाइलों को जब्त करके लैब में भेजा गया है फॉरेंसिक जाँच के लिए, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो अहम होगी। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। दो मोबाइल सेंट्रल एजेंसीज के पास गए हुए जो टूटे हुए थे, वहाँ पर डाटा रिकवर होने की जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 3 मोबाइल एटीएस मुख्यालय पर मौजूद हैं जिनको डाटा रिकवर करने की उसमें कोशिश करी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाँ, जो इनको मोबाइल मिले हैं उसमें जो डिलीट मैसेज है और साथ ही जो मोबाइल का यूज़ हुआ है, जिस तरीके से यूज़ हुआ है, वो खंगाला जाएगा और उसके बिहाफ पे ही आगे जो जांच है वो बढ़ेगी। क्योंकि नोएडा पुलिस ने लगातार पूछताछ करी, एटीएस ने पूछताछ करी, आईबी ने पूछताछ करी और ऐसे में पूछताछ के बाद कुछ ऐसी चीजें जिसको हम कहें कि हाँ, ये शक के दायरे को और पुख्ता करती है, वो चीज नहीं आई है। लेकिन चूंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, सीमा हैदर का जो भाई है वो खुद पाक आर्मी में, उसका जो सूबेदार है, चाचा है, वो सूबेदार है पाकिस्तान आर्मी में, तो ऐसे में जो शक है वो बना रहेगा। लेकिन एक कंक्रीट एविडेंस जो एजेंसियों के पास होना चाहिए, वो लिहाजा अभी एविडेंस कंपनी एजेंसियों के पास नहीं है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश।